हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है व्हेन प्रोस्पेक्टस इज नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू बी इशूड। किस सिचुएशंस में एक तरीके से जो प्रोस्पेक्टस होती है कंपनीज की, उसको इशू नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में। आई मीन एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टडी करें, आप जब हमारे चैनल पे आए कॉमर्स की पाठशाला में, तो नीचे की तरफ आप जरूर जाएं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आपको बीकॉम न्यू शो करेगा। बीकॉम न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज है जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी एग्जाम में आप ला सकते हैं, है ना। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है कि ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जिस टाइम पे जो प्रोस्पेक्टस है उसको इश्यू नहीं किया जाता है। जी, तो सबसे पहला पॉइंट है, अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू अ प्रोस्पेक्टस। तो प्राइवेट कंपनी के केस में देखो, जो जो पब्लिक कंपनी होती है उनके लिए जब भी वो कंपनी एक तरीके से मार्केट में शेयर्स को इशू करती है, फिर डिवेंचर इशू करती है, तो उस केस में उसको जो है एक तरीके से प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है पब्लिक कंपनी के केस में। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट कंपनी को किसी भी तरह का प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, उनको ये रिक्वायरमेंट नहीं होता कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करें, पर वो चाहें तो कर सकते हैं, बट उनको इस चीज की नेसेसिटी नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है, इवन अ पब्लिक कंपनी नीड नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस इफ द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स फील that they can mobilize resources through personal relationships and contracts and therefore the shares or debentures are not offered to the public, है ना। तो अगर जो जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, अगर उनको उनको ऐसा फील होता है कि उनको भी जो है मार्केट में एक तरीके से प्रोस्पेक्टस को इशू करने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स और कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से, तो उस केस में अगर वो चाहें तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स के लिए पब्लिक में अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं भी कर सकते हैं, ये अथॉरिटी उनके पास होती है। ठीक है ना, तो पब्लिक, पहला बात तो पब्लिक कंपनी को आवश्यकता नहीं होती है, प्राइवेट कंपनी को आवश्यकता होती है। पब्लिक कंपनी को आवश्यकता नहीं होती है वो इसलिए नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि जो प्रमोटर्स या फिर डायरेक्टर्स होते हैं वो अगर उनको ऐसा लगता है, देखो वो भी चाहे तो कर सकते हैं बट वो करते क्यों नहीं है, क्योंकि उनको मे भी ऐसा लगता है जो प्रमोटर्स हैं डायरेक्टर्स हैं कि वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी कंपनी के वो बहुत ही आसानी से उनको मोबिलाइज कर सकते हैं उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से, है ना। तो उस केस में जब भी शेयर्स एंड डिवेंचर्स एक तरीके से ऑफर की जाती है, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, तो वो इशू नहीं करते हैं, वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं, साथ ही साथ वो शेयर्स एंड डिवेंचर्स भी पब्लिक के लिए इशू नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल रिलेशनशिप और कॉन्टैक्ट से ही जो है सारी की सारी चीजें हो जाती है, तो पब्लिक को ऑफर करने का कोई दुख ही नहीं बनता, राइट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो बताया गया है वो ये है कि वेयर द शेयर्स और डिवेंचर्स आर ऑफर्ड to existing shareholders of shares or debentures by way of right, that is right issue, with or without the right of renunciation in favor of the other person, है ना? So according to section 26(2)(a) में ये बात बोली गई है, जो shares and debentures हैं वो offer किए जा रहे हैं किनको? Existing shareholders को, जो आपके already shareholders हैं, आप उन्हीं को एक तरीके से shareholder shares issue कर रहे हो या फिर debenture आप issue कर रहे हो by way of right, जिसे हम right issue के नाम से जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे जो right issue हो रहा है वो with और without the right of renunciation एक तरीके से हो रहा है उस person के लिए, एक तरीके से उसको जो है विद और विदाउट राइट जो है उनको राइट इशू की जा रही है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26(2)(a)। तो उस केस में भी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक दो तीन के बाद डायरेक्टली पांच आ गया है, पता नहीं चार नंबर पॉइंट कहाँ चला गया, आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसके ऊपर ध्यान मत देना। सो वेयर द इश्यूज रिलेटेड टू द शेयर्स एंड डिवेंचर्स विच आर टू बी यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट विद शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर प्रीवियसली इश्यूड एंड डेल्ट एंड क्वोटेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इस केस में भी आपको जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करने में, जहां पर कि जितने भी इश्यूज रिलेटेड हैं शेयर्स एंड डिवेंचर्स के, जो कि यूनिफॉर्म वे में है, है ना, जिनको आगे जा करके जिनको प्रीवियसली भी इशू किया गया है और इनको जो एक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में इनका जो है एक तरीके से रिजोल्यूशन हुआ है,
इशू किया गया था उनको, इन्होंने एक तरीके से रिजॉल्व कर दिया गया आसानी से, जो है स्टॉक एक्सचेंज में उनको रजिस्टर कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। आपने पहले भी सुना होगा कि सपोज आपने कोई काम पहले किया हुआ है और दोबारा आपको उस काम को करना है, तो दोबारा आप उतनी मेहनत नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि काम को कैसे करना है, तो आप सिंपली कर लोगे। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि शेयर एंड डिवेंचर पहले भी इशू किए हुए होते हैं, तो उनको जब दोबारा इशू करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस केस में जो है यू नो प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं किया जाता है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये यहाँ पे टोटल चार पॉइंट्स हैं, हालांकि पांच लिखे हुए हैं, चार पॉइंट्स हैं। ये ऐसे सिचुएशंस हैं जिस टाइम पे जो है प्रोस्पेक्टस को इशू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।